बार्ले यूज हुआ है, दैट इज मॉल्टेड बार्ले, बट जो वीट यूज हुए हैं वो है अनमॉल्टेड, जिसकी वजह से इसके अंदर काफी प्रोमिनेंट सा नोट आ रहा है वीट का। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू जेका। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अनदर बियर फ्रॉम बूहो। इससे पहले मैंने रिव्यू करी है बूहो की स्ट्रॉन्ग बियर, आपने शायद वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज देख लो, जाके आई बटन पे क्लिक करो और आपको वीडियो मिल जाएगा। सो या इससे पहले स्ट्रॉन्ग बियर का रिव्यू करा है और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो वीट बियर। दिस बियर इज ऑल्सो अनदर क्राफ्ट बियर। और जैसा कि आप जानते हैं, बूहो आती है बेल्जियम से और इस बियर को इंडिया में इम्पोर्ट करते हैं ब्रिंडको। आई वुड से ब्रिंडको इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर वेन इट कम्स टू अल्कोहल बेवरेजेस। सो काफ़ी सारे अल्कोहल बेवरेजेस जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं ब्रिंडको इंडिया में। इफ इफ वी टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस बियर, तो इसके अंदर यूज हुए हैं मॉल्टेड बार्ले, अनमॉल्टेड वीट्स, ओट्स यूज हुए हैं इसके अंदर, इसके अंदर ऑरेंज पील यूज हुआ है, उसके साथ साथ कोरिएंडर है, हॉप्स हैं, यीस्ट है और ऑफकोर्स पानी तो हो गई, उसके बिना बियर बनेगी कैसे, राइट? सो या दीज आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच दे हैव यूज्ड टू मेक दिस बियर। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए इसे पोर करते हैं और चेक करते हैं, पीते हैं, देखते हैं कितनी रिफ्रेशिंग है ये बियर। ओके, आई पोर। क्या सुनहरी आवाज आ रही है। और मैं ऐसे क्यों पोर करता हूँ शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो बैक साइज का वीडियो देखो, जिसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे बियर को आइडली पोर करना चाहिए। ये जो बियर है फिलहाल अवेलेबल है महाराष्ट्र में। आई थिंक ये बियर आपको दिल्ली में मिल जाएगी, तमिलनाडु में मिल जाएगी, कर्नाटका में मिल जाएगी, गोवा में मिल जाएगी और यूपी में मिल जाएगी। तो दीज आर द स्टेट्स एज ऑफ नाउ आई थिंक ये बियर अवेलेबल है। अगर और कहीं भी अवेलेबल है इसके अलावा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि और कहाँ पे ये बियर अवेलेबल है। चलो देखते हैं। कलर की बात करें तो यस, काफ़ी हैजी बियर है ये। As we all know, wheat beer है तो हैजी तो होगी। यस हैजी है, येलो सा कलर है इस बियर का। हेड जो है फिलहाल तो मैंने ऊपर से बियर पोर करी है तो यस है, देखते हैं थोड़ा और पोर करता हूँ, लेट्स सी कितना सस्टेन करता है ये हेड। दिखने में काफी अच्छा लग रहा है हेड। कार्बोनेशन की कमी लग रही है इस बियर के अंदर मुझे। आई डोंट सी अ गुड कार्बोनेशन, इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कार्बोनेशन इस बियर के अंदर। चलो अरोमा देखते हैं। फर्स्ट नोट जो मुझे मिला है वो ऑरेंज का। हॉप्स, उसके अलावा वीट का एक प्रोमिनेंट सा आई वुड से नोट आ रहा है। एंड द रीजन इज इसमें जो वीट यूज हुए हैं दीज आर अनमॉल्टेड वीट्स। जो बार्ले यूज हुआ है दैट इज मॉल्टेड बार्ले, बट जो वीट यूज हुए हैं वो है अनमॉल्टेड, जिसकी वजह से इसके अंदर काफी प्रोमिनेंट सा नोट आ रहा है वीट का। हॉप्स हैं ऑफकोर्स, yep, that's about it. I think I'm getting from, I would say at least on the nose, यही मिल रहा है मुझे। अब हम टीके देख लेते हैं, उससे पहले अगर थोड़ी सी और पोर करनी है तो कर देता हूँ। और जैसा कि मैं हेड की बात कर रहा था, जैसे इतनी देर से बात कर रहे हैं हम, हेड ने अच्छा सस्टेन किया है, so I would say बियर का हेड अच्छा है। चलो पी लेते हैं। सावे रिफ्रेशिंग है, आई वुड से इट्स अ नाइस बियर। हल्की सी मिठास है, ऑफ कोर्स ऑरेंज का टेस्ट काफी
अच्छे से फील हो रहा है, उसके साथ साथ में कोरिएंडर का टेस्ट एक जो हिंट होती है वो मिल रही है ऑरेंज के साथ साथ में। सो इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने 7 रिवर्स की वीरे बियर का रिव्यू करा था जिसमें भी जो फ्लेवर्स थे वो थे ऑरेंज एंड कोरिएंडर। सो यूजुअली वीट बियर के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑरेंज एंड कोरिएंडर का होता है, बट समहाउ आई फील कि जो वीरे बियर है वो इससे इंस्पायर्ड होके बनाई गई है। इफ यू टॉक अबाउट प्राइस ऑफ दिस बियर, 290 रुपीज है इसकी प्राइस मुंबई में फॉर 500 ml कैन, और इसका अल्कोहल स्ट्रेंथ है 4.9 विच इज गुड इनफ, मतलब एक माइल्ड बियर है। इफ यू कंपेयर विथ बूहो स्ट्रॉन्ग बियर, आई थिंक वो हमने रिव्यू करी थी तब उसकी प्राइस थी 220, सो कंपेरेटिवली बूहो स्ट्रॉन्ग से ये प्राइस जो है वो थोड़ी ज्यादा है। लेट मी टेक अनदर सिप। आई थिंक इसके अंदर हल्की सी नटीनेस है एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ ओट्स, क्योंकि इसके अंदर ओट्स यूज हुए हैं तो इस बियर के अंदर हल्की सी नटीनेस भी है, और वीट का जो फ्लेवर आता है वो आ रहा है अपार्ट फ्रॉम हॉप्स। या सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस बियर, एंड यू नो आई हैव ऑलरेडी कंपेयर दिस बियर विद 7 रिवर की वीरे, सो आई थिंक अगर आपको ये बियर नहीं मिल रही है और अगर 7 रिवर्स की वीरे बियर मिल रही है आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। प्रिटी मच काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इन दोनों बियर का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सो या दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज जय साइनिंग अप फॉर द डे। इफ वीडियो पसंद आया है लाइक कर लो, सब्सक्राइब योर ओन चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल कम टू नो व्हेन I'll release my next video. Until then, ta-da!